हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका पार्ट नंबर 9 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, Who has been recently in May appointed as a commandant of a National Defence Academy, that is NDA. NDA के आपके कमांडेंट कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है गुरुचरण सिंह, ठीक है, और इन्होंने जो है सक्सीड किसे किया है? अजय कोचर को। फाइन, नाउ नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो ये कमीशन की गई थी आपके 7 दिसंबर 1954 को, एंड एकेडमी वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन द 16 जनवरी 1955, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? पुणे महाराष्ट्र में, और इसका मोटो है सेवा परमो धर्म, ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। और यहाँ पे आप जो है गुरुचंद सिंह जी की इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक हैज इम्पोज्ड अ फाइनेंशियल पेनल्टी ऑफ डैश ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीकन ब्रांच फॉर वॉयलेटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी SBI की साउथ अफ्रीकन बैंक है उस पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई गई है, जिसे मॉनिटरी पेनल्टी लगाती है RBI, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक है उन्होंने SBI पे पेनल्टी लगाई है इनके जो नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करने के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है कितना पेनल्टी है, 10 मिलियन रैंड का ये पेनल्टी लगाया गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पेनल्टी है इट वॉज इम्पोज अंडर द सेक्शन 45C ऑफ अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर एक्ट 38 ऑफ 2001 फ्रॉम नॉन कंप्लायंस विद अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ अ साउथ अफ्रीकन FIC एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा सकता है जो SBI ब्रांच है साउथ अफ्रीका में जो SBI की ब्रांच है ये कब आपकी इनकॉर्पोरेट की गई थी, तो 1996 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मई 2024 गोल्डमैन सैच हैज रिवाइज इंडिया 2024 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन टू -%। तो पहले जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी थी वो थी आपकी 6.6% की, अब इन्होंने इसे इंक्रीज किया है 10 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 10 बेसिस पॉइंट जो है इंक्रीज किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 6.7%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो है इन्होंने कोर इन्फ्लेशन की बात भी की थी कि ये आपका जो सेकेंड हाफ है कैलेंडर ईयर 2024 का, इसमें 4% से आपका 4.5% तक ये जा सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है। नाउ गोल्डमैन सैच ग्रुप की बात करें तो इसके CEO कौन है, डेविड एम सोलोमन, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट अनाउंस 8th ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर 2024, हाउ मेनी इंडियन एयरपोर्ट्स हैव बीन अवार्डेड अंडर द सिल्वर कैटेगरी। तो जो ये आपके अवार्ड हैं ये तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, ठीक है, एक होता है प्लैटिनम, दूसरा होता है गोल्ड और तीसरा होता है सिल्वर कैटेगरी, ठीक है। तो इंडिया के 3 एयरपोर्ट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर द सिल्वर कैटेगरी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी कि इंडिया के 3 एयरपोर्ट्स को यहाँ पे अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पैसेंजर की पैसेंजर कैटेगरी के हिसाब से, ओवर 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी, यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेलेक्ट किया गया था, ठीक है, बिटवीन 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी। इसमें आपका बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कैपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। देन लेस देन 8 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी, इस कैटेगरी में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका लखनऊ में है, लखनऊ UP में, इसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये 3 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंडिया के, ये याद रखने आपको कौन सी कैटेगरी में इनको ये अवार्ड दिया गया है, सिल्वर कैटेगरी, ठीक है। एंड अगर पैसेंजर्स वाइज पूछा जाए तो 35 मिलियन, ओवर 35 मिलियन में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिटवीन 15 to 35 मिलियन पैसेंजर्स कैपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और लेस देन 8 मिलियन पैसेंजर्स पर है ना तो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। नाउ अब जो ACI की बात करें, ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट GAR 2024 जो अवार्ड है, इसमें एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रीजन में टोटल 12 एयरपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कैटेगरीज इसमें होती है, प्लैटिनम, सिल्वर और गोल्ड होती है, ठीक है। नाउ इसकी थीम क्या थी, इन अवार्ड्स की थीम थी बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, एंड द रिकॉग्नाइज एयरपोर्ट्स फॉर ऑनर्ड एट द 19th ACI एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट रीजनल असेंबली और ACI वर्ल्ड एनुअल जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो आपका रियाद
सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, बाकी जो आपके एयरपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। ठीक है, बाकी कैटेगरी में और कौन से एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब बात करेंगे एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट की। तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम है स्टेफेनो बोरानिकी। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका हांगकांग SAR में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड अ ATD बेस्ट अवार्ड 2024 फॉर द थर्ड टाइम इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट फील्ड। ठीक है, लर्निंग और डेवलपमेंट फील्ड में इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने ATD बेस्ट अवार्ड जीता है 2024 का? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज पावर ग्रिड। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ इनको ये थर्ड टाइम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, पावर ग्रिड जो है ऑनर की गई है थर्ड टाइम विद द ATD बेस्ट अवार्ड, हैविंग प्रीवियसली रिसीव्ड इट 2021 एंड 2023। ठीक है, तो ये 2024 में थर्ड अवार्ड इनका हो गया। इसके अलावा NTPC लिमिटेड जो है, इट सिक्योर्ड द थर्ड रैंक ग्लोबली एट द ATD बेस्ट अवार्ड 2024, मेकिंग इट द हाईएस्ट रैंकिंग अमंग ऑल इंडियन कंपनीज। ठीक है, NTPC इज अ ओनली PSU टू रिसीव दिस अवार्ड 7 times इन द पास्ट 8 years। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ हुई थी? आपके न्यू ऑरलियंस में, USA में। ठीक है, इसके अलावा पावर ग्रिड के बिहाफ पे यहाँ पे जो डॉक्टर यतेंद्र द्विवेदी हैं, इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था। एंड NTPC के बिहाफ पे जो रचना सिंह बहल हैं, इन्होंने अवार्ड रिसीव किया था। ठीक है, नाउ अब इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड दिया जाता है आपका, बेसिकली ये अवार्ड जो है ये वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट में, जो ऑनर करता है ऑर्गेनाइजेशन को जो अचीव करती है एंटरप्राइज वाइड सक्सेस थ्रू द एम्प्लॉय टैलेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2003 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ पावर ग्रिड की बात करें तो इसके करंट CMD हैं रविंद्र कुमार त्यागी, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, एंड इट इज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी, जिसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1989 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, NTPC की बात करें तो इसके करंट CMD आपके हैं गुरदीप सिंह, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लोअर द टिक साइज फॉर ऑल स्टॉक्स टू डैश फॉर स्टॉक प्राइस बिलो ₹250 इन अ कैश सेगमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज इसका जो पहले आपका टिक साइज था वो था 5 पैसा। ठीक है, अभी इसे कितना कर दिया गया है? 1 पैसा कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो न्यू टिक साइज है ये इफेक्टिव होगा आपका 10 June 2024 से, एंड ऑल्सो द स्टॉक फ्यूचर्स शेल हैव द सेम टिक साइज फ्रॉम द 8 July 2024 एज एप्लीकेबल इन द कैश मार्केट सेगमेंट। ठीक है, जो न्यू टिक साइज है इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे, ETF पे। ठीक है, द टिक साइज फॉर T1 सेटलमेंट सिक्योरिटीज विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू T0 सेटलमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, एंड ऑल प्राइस रिलेटेड टू कंपटीशन जैसे क्लोजिंग प्राइस, बेस प्राइस, कॉमन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सेटलमेंट प्राइस, दे विल बी फ्रेम्ड एज पर द एप्लीकेबल टिक साइज ऑफ द सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसके करंट चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके CEO है करंटली आशीष कुमार चौहान, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1992। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मे द गिदानस नौसिदा हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो जो यहाँ पे गीतानास नौसिदा है इनको री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का? इस कंट्री का नाम है लिथुएनिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और लिथुएनिया के आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है इंग्रिडा सिमोंते, कैपिटल इसकी है विल्नियस एंड करेंसी है लिथुएनियस लिटस। ठीक है, नेक्स्ट है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज अप्रूव द 1 month एक्सटेंशन इन अ सर्विस ऑफ अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ named Dash with effective from 31st May 2024 up to 30th June 2024. तो आपको बताना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? इनका नाम है मनोज पांडे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो।
नेक्स्ट है, नेम द स्पेस एजेंसी दैट हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट पेयर ऑफ अ स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट विच इज प्री फायर फ्रॉम द न्यूजीलैंड रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स टू स्टडी अर्थ पोल। तो इनमें से कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एजेंसी है, जिसने इसे जो है सक्सेसफुली लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब जो मिशन है इट इज डब्ड प्री फायर विच इज पोलर रेडियंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन, जिसका एम है स्टडी करना हीट एमिशन एट द अर्थ पोल फॉर नासा। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बैक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अ डीआरडीओ गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट टू सप्लाई एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है डीआरडीओ से? तो आंसर इज आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, कौन सी आपकी कंपनी है? आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कंपनी डिलीवर करेगी फर्स्ट बैच इन टर्बो इंजन का बाई दी अर्ली 2026। ठीक है, अब आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद तेलंगाना में, और इसके करंट सीईओ है राकेश चौबदर। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्पेस कंपनी रिसेंटली इन मे लॉन्च द फर्स्ट बैच ऑफ ऑपरेशनल स्पाई सैटेलाइट एज अ पार्ट ऑफ अ न्यू यूएसए इंटेलिजेंस नेटवर्क टू एनहांस स्पेस बेस्ड सर्विलियंस पावर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इसे लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेसएक्स ने इसे लॉन्च किया है। द मिशन कॉल्ड NROL-149 वॉज लॉन्च फ्रॉम द फैल्कन 9 अबाउट द फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम योर कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है स्पेसएक्स ने कोलैबोरेशन किया है नॉर्थप ग्रूमन कॉरपोरेशन के साथ डेवलप करने के लिए 100 ऑफ सैटेलाइट्स फॉर यूएस नेशनल रेजोनेंस ऑफिस। ठीक है, नाउ जो एनआरओ है, एनआरओ ने क्या बोला है, एनआरओ हैज सेट अ टारगेट, इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2024 में 6 लॉन्च ये यहाँ पे करेंगे एंड एडिशनल लॉन्चेस एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू थ्रू 2028। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु वॉन द चैलेंजर्स टाइटल एट द शारजहा मास्टर 2024, द सेवेंथ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन शारजहा यूएई। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज चैलेंजर्स टाइटल में विनर रहे थे आपके दिव्या देशमुख। ठीक है, ये फर्स्ट रैंक पे रहे थे। नेक्स्ट सेकेंड पोजिशन पे थे रशिया के लिया गैरी फुलीना एंड थर्ड नंबर पे थी सीना मोवाहेद फ्रॉम ईरान। ठीक है, मास्टर टाइटल की बात करें तो यहाँ पे ईरान के बारदिया दानेश्वर थे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे वोलादर मुर्जीन एंड थर्ड पे थे सैम शकलंद फ्रॉम यूएसए। ठीक है, एंड मास्टर टाइटल में सेवंथ पोजीशन पे थे इंडिया के ग्रैंड मास्टर इरेगेसी अर्जुन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें जो ये टूर्नामेंट हुआ था आपका चेस का, इसमें इंडियन ओरिजिन के सिद्धार्थ जगदीश जो है ये फिफ्थ जीएम बने थे आपके सिंगापुर के। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द प्लेयर हु वॉन विमेन सिंगल टाइटल इन अ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन मलेशिया मास्टर 2024 जो कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा विमेन सिंगल टाइटल यहाँ पे जीता था चाइना की वांग जी यी ने और इन्होंने डिफीट किया था पीवी सिंधु को। ठीक है, पीवी सिंधु यहाँ पे रनर अप रहे थे आपके। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हैं, मेन्स टाइटल में विक्टर एलेक्सन जो डेनमार्क के हैं इन्होंने डिफीट किया था ली जी जिया को फ्रॉम मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन मे अप्रूव द न्यू ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज दैट इज ATK। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने न्यू ट्रीटी यहाँ पे अप्रूव की है? ठीक है, IP के लिए, GR के लिए और ATK के लिए। तो आंसर इज इट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO। ठीक है, अब WIPO के डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है डेरिन डैंग, मेंबर स्टेट्स हैं 193 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज सेट टू लॉन्च अ न्यू नेशनल पोर्टल NHCX विच इज नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम द पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि ये लॉन्च करने वाले हैं NHCX प्लेटफॉर्म को। ठीक है, अब ये प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है? तो इसे डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। ठीक है, NHA ने से डेवलप किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 months में एंड जो पोर्टल है इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM। ठीक है,
जो ये पोर्टल है ये बेसिकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रहेगा बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, एंड ये फैसिलिटेट करेगा इजियर एंड फास्टर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, IRDAI ने एडवाइस किया है सारे इंश्योरर्स को, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली, एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू इंटीग्रेट विद नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म NHCX के साथ इनको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, साथ में ही गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू इंटीग्रेट अराउंड 50 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 200 टू 250 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री विद दिस प्लेटफॉर्म, NHCX प्लेटफॉर्म। ठीक है, नाउ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो इसके CEO हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई RBI ने इंपोज की है मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 करोड़ ऑन विच प्राइवेट बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ अ लोन एंड एडवांसेस सेचुरेटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। तो 1 करोड़ की पेनल्टी किसने लगाई, किस पे लगाई है, तो आंसर आपका हो जाएगा RBI ने ये 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है ICICI बैंक के ऊपर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे रीजन क्या दिया गया है कि जो ICICI बैंक लिमिटेड है इन्होंने सेंक्शन किए हैं टर्म लोन्स टू सर्टेन एंटिटीज टू रिप्लेस बजटरी रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स विदाउट प्रॉपर ड्यू डायलिजेंस। ठीक है, नाउ इसी के साथ RBI ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है येस बैंक के ऊपर, कितने लाख की, 91 लाख की ये आपकी जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है फॉर मल्टीपल वॉयलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद अ नॉर्वे बेस्ड NEL हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर AS टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने नॉर्वे बेस्ड NEL हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के साथ जो है पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो आंसर आपका हो जाएगा ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ यहाँ पे जो अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ है इनके बीच में, ये प्रोवाइड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, फॉर NEL अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर इन इंडिया एंड ऑल्सो अलाउज इट टू मैन्युफैक्चर द अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर फॉर अ इंटरनल यूज ग्लोबली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th एनुअल कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है ग्रैंड प्रिक्स, तो आंसर इज इनका नाम है पायल कपाटिया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नोट करना है जो 77th एडिशन हुआ था आपका कान फेस्टिवल का, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ये आपका कान फ्रांस में हुआ था। ठीक है, एंड इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट इसको अवार्ड मिला था। ठीक है, इनकी जो डायरेक्टर है बेसिकली पायल कपाटिया, इनको ये अवार्ड दिया गया था ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, जो सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड है ऑफ दिस फेस्टिवल। ठीक है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड। नाउ अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, दैट जैसे इस फेस्टिवल में जो संतोष सिवान है जो इंडियन सिनेमाटोग्राफर है एंड फिल्म डायरेक्टर है, इनको पेरर एंग्वेस ट्रिब्यूट अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और ये फर्स्ट एशियन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। देन इंडियन एक्ट्रेस जिनका नाम है अनासुआ सेन गुप्ता, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है मैसूर कर्नाटकाज फिल्म मेकर चिदानंदा एस नायक, इनको जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया है लास्ट सिफ सेक्शन फॉर हिज 15-मिनट शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो। ठीक है, इसके अलावा इंडियन बॉर्न मानसी महेश्वरी बनी हुड एंड एनिमेटेड फिल्म, इनके लिए इनको थर्ड प्राइज दिया गया है लास्ट सिनिफ सेलेक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अ डॉक्टर समीर वी कमाथ जो चेयरमैन है आपके DRDO के बाय डैश ईयर और ईयर्स। ठीक है, कितने सालों के लिए जो है इनका एक्सटेंशन दिया गया है, इनका टेन्योर का एक्सटेंशन एक्सटेंड किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, इनका जो टेन्योर है ये आपका 31 मई 2025 तक रहेगा। एंड साथ में ये भी नोट करना है कि ये DRDO के चेयरमैन के होने के साथ साथ ये सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन मई द दूरदर्शन किसान या DD किसान लॉन्च 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जिनका नाम है AI क्रिश और AI भूमि। इनके नाम याद रखने हैं आपको, इस पे बेस भी क्वेश्चन बन सकता है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्रीकल्चर रिसर्च इन डैश डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, तो आंसर इज 50 लैंग्वेजेस में। ठीक है, इसमें से आपके इंडियन लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस दोनों ही शामिल हैं इसमें। फाइन,
अब यहाँ पे ये दोनों AI जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं, AI एंकर हैं, AI कृष और AI भूमि, इनको लॉन्च किया गया था जो जब DD किसान का 9th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया गया था, दैट इज ऑन द 26th ऑफ मे. ठीक है, नाउ इसका मेन एम क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें रिगार्डिंग दी फार्मिंग रिसर्च, मार्केट ट्रेंड, वेदर क्या चल रहा है, वेदर अपडेट्स के ऊपर और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है जो ये एंकर हैं ये आपके 24/7 एंड 365 डेज विदाउट ब्रेक काम करेंगे यहाँ पे. फाइन, नेक्स्ट है विच टीम वॉन द 17th सीजन ऑफ IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2024. ठीक है, तो जो 2024 का आपका IPL हुआ था इसमें कौन सी टीम जीती थी, तो आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स जीती थी और ये इनका थर्ड टाइटल है. ठीक है, नाउ इन्होंने डिफीट किसे किया था, सनराइजर्स हैदराबाद को डिफीट किया था. ठीक है, अब ये KKR का थर्ड टाइटल है, इनसे पहले इससे पहले 2012 और 2014 में ये टाइटल जीत चुकी है. ठीक है, अंडर द कैप्टनसी ऑफ गौतम गंभीर और इस बार IPL में KKR के कैप्टन कौन थे, श्रेयस अय्यर. ठीक है, बाकी यहाँ पे आप अवार्ड्स देख सकते हो, जैसे विनर कोलकाता नाइट राइडर्स रहा था, रनर अप आपका सनराइजर्स हैदराबाद था, थर्ड प्लेस में राजस्थान रॉयल, फोर्थ पे आपका था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर. ठीक है, ऑरेंज कैप किसको मिली थी, विराट कोहली को. ठीक है, पर्पल कैप हर्षल पाटिल को, पटेल को. ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारिन. तो ये सारे आप यहाँ पे जो है अवार्ड देख सकते हो. ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच मिला था आपका मिशेल स्टार्क को. ठीक है, ऐसे ही ग्रीन डॉट बॉल्स ऑफ द मैच ये हर्षित राणा को मिला था. तो ऐसे वीडियो पॉज करके आप सारे ही अवार्ड्स देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज रिसेंटली मे बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट अ एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन तश्किंत उज्बेकिस्तान. तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं, कौन से आपके शख्स हैं जिनको जो फर्स्ट आपके इंडियन बने हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है एशियन जिमनास्ट चैंपियनशिप्स में, तो आंसर आपका हो जाएगा इनका नाम है दीपा कर्माकर. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ये इन्हें जो है गोल्ड मिला था, अब सिल्वर और आपका ब्रॉन्ज मेडल किसे मिला है, किम सोन ह्यांग एंड जो क्योंग ब्योल को, जो नॉर्थ कोरिया के आपके प्लेयर हैं, इन्हें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला है. ठीक है, देन इंडिविजुअल ऑल अराउंड कैटेगरी में चाइना के ह्यू ज़ेफी जो हैं इनको सिल्वर यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है एंड क्विन ज़ियानी ऑफ चाइना इनको सिल्वर मिला है, वेरस एमा मेलाबू ऑफ फिलीपींस इनको जो है ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ये थर्ड प्लेस पे थे. ठीक है, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है. फाइन, नाउ टीम ऑल अराउंड की कैटेगरी में चाइना ने टॉप किया है, इट इज फॉलोड बाय नॉर्थ कोरिया एंड उज्बेकिस्तान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम वॉन द गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 स्टेज 2 हेल्ड इन डैश. तो ये आपका कहाँ पे हुआ था, ये आपका साउथ कोरिया में हुआ था. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज येचियोन साउथ कोरिया में हेल्ड हुआ था. अब इंडियन वुमेन कंपाउंड टीम में अदिति गोपीचंद स्वामी, ज्योति सुरेखा वेनम एंड परनीत कौर, इन तीनों को जो है इन तीनों की टीम को गोल्ड मिला था. वेरेस इंडिया की जो मिक्स आर्चरी टीम थी इनको सिल्वर मिला था, जिसमें आपके शामिल थे ज्योति सुरेखा एंड प्रियांश. ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड हंगर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश. तो वर्ल्ड हंगर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 28th ऑफ मे को. ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे 2024 की जो कैंपेन थीम थी उसके बारे में बात कर लेते हैं, इट इज थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड. ठीक है, नाउ इसी के साथ नोट करना है, अगर हम वर्ल्ड हंगर डे की बात करें तो ग्लोबल हंगर डे की बात कर लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं 2023 का, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, 111th रैंक थी आउट ऑफ 125 कंट्रीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 2024 जो ऑब्जर्व किया जाता है आपका फिफ्थ मंथ की जो 28th डेट होती है उस दिन इसे ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, और इस बार का इसका थीम था टुगेदर फॉर अ पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. नाउ अब इस ओकेजन पे WHO ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी, प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन अ स्कूल्स 2000 से लेके 2023 स्पेशल फोकस ऑन अ मेंस्ट्रुअल हेल्थ. ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या हाईलाइट किया गया था, ओनली 2 out of 5 स्कूल्स दैट इज वर्ल्ड वाइड 39% provide menstrual health education with a higher rates in a secondary school. Less than 1 in 3 schools, that is 31%, have bins for menstrual waste. And जो आपके least developing countries हैं, इसमें ये 17% है. ठीक है, and सहारा जो सब सहारा Africans हैं, इसमें आपका 11% है. Fine. Last आपको point है, only 30 countries track relevant menstrual health indicators, hindering comprehensive effort. ठीक है, next question है,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज गेल इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट डैश. तो गेल जो है, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने अपना ग्रीन पहला लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? ये इनॉग्रेट किया है इन्होंने मध्य प्रदेश में. ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. और मध्य प्रदेश के विजयपुर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने जो है इसे इनॉग्रेट किया था. ठीक है, अब इसकी बात करें, जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी जो है ये आपकी 4.3 टन पर डे ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन थ्रू द 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर बाय यूजिंग द रिन्यूएबल पावर. ठीक है, अब जो ये आपका प्लांट है इसे जो है टोटल 231 करोड़ की लागत से बनाया गया है. ठीक है, रुपीज 231 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से इसे बनाया गया है. ठीक है, नाउ जो आपका 10 मेगावाट पीएम इलेक्ट्रोलाइजर है फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग यूनिट ये आपका इंपोर्ट किया गया है फ्रॉम द कैनेडा. ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन सी कंट्री से इंपोर्ट हुआ है. कैनेडा से इंपोर्ट हुआ है. और जो ये आपका हाइड्रोजन, ये जो आपका प्लांट है बेसिकली ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा जिसकी प्योरिटी की अगर हम बात करें तो ये प्योरिटी आपकी 99.99% की रहेगी. ठीक है, एंड इट विल जनरेट एट अ प्रेशर ऑफ 30 किलोग्राम्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर. क्लियर है? अब इन सब चीज़ों का मेन एम क्या है या इस प्लांट को इनॉग्रेट करने का मेन एम क्या है कि जो गेल इंडिया का टारगेट है, ठीक है, जो गेल कंपनी का टारगेट है नेट जीरो स्टेटस बाय 2040 इसको अचीव करना एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का जो गोल है 5 मिलियन टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर इंडिया 2030 इसको अचीव करना. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच कंपनी रिसेंटली मे हैंडेड ओवर द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टू द इंडियन आर्मी एट अ नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट न्यू दिल्ली दिल्ली. तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है हैंड ओवर किया है इंडियन आर्मी को? इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. ठीक है, कौन सी कंपनी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. अब इसी के साथ इंडियन ऑयल और इंडियन आर्मी के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, इस एमओयू के तहत जो आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है ये आपके जो हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी है उनमें भी डिप्लॉय की जाए. ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये एमओयू साइन किया गया था. नाउ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसे फॉर्म किया गया था 1964 में बाय मर्जिंग इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड विद द इंडियन ऑयल कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां लोकेटेड है? न्यू दिल्ली दिल्ली में. फाइन, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड हैज लॉन्च द को ब्रांडेड एलीट रुपे क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद व्हिच बैंक. तो इन्होंने कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, लॉन्च करने के लिए इनका जो क्रेडिट कार्ड है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द इंडसइंड बैंक. ठीक है, इंडसइंड बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के कोलैबोरेशन से इन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प इंडसइंड बैंक एलीट रुपे क्रेडिट कार्ड. ठीक है, अब इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसके सीईओ हैं सुमंत कतपलिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में. इसे स्टैब्लिश किया गया था 1994 में और इसकी टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर. ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इस क्रेडिट कार्ड की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन मे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड $1 million रिलीफ एड फॉर लैंडस्लाइड हिट फॉर विच कंट्री. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है $1 million का रिलीफ एड? ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज पेपुआ न्यू गिनी. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन दैट इज FIPIC फोरम जो है इसके थ्रू यहाँ पे अनाउंस किया है रिलीफ असिस्टेंट फंड. ठीक है, कितना अमाउंट है ये? $1 million का फॉर पेपुआ न्यू गिनी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैसिव लैंडस्लाइड अकर हुआ था इनके जो एनगा प्रोविंस है वहाँ पे. ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज साइन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट विद डैश फॉर अ 50 kW एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन. तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किया है 50 kW एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन? ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. अब इस एमओयू के तहत या इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत यहाँ पे जो है BHEL का मेन एम है ये स्केल अप करे इंडिजीनियस एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को एंड कमर्शलाइज इट फॉर एप्लीकेशन इन सेक्टर्स जैसे रिफाइनरीज हो गया, फर्टिलाइजर, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में. ठीक है, नाउ BHEL की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोपो सदाशिव मूर्ति. इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली दिल्ली में. क्लियर है?
आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।